वेलकम बैक टू आरसीआई। आरसीआई में आपका स्वागत है। वीडियो में जो मैंने आपको राइटर्स का नाम याद करवाया था, उसका काफी अच्छा रिस्पांस आया, लोगों में काफी उत्साह है, स्टूडेंट काफी अच्छा बोल रहे हैं, मेरे पास मैसेजेस आए हैं। और तो मैंने सोचा कि चलो भाई, अब इसका दूसरा जो पार्ट है, जो हमारे पोएट का नाम है और उन्होंने क्या क्या कंपोज किया अपने पोएम को, तो ये सारा चीज़ हम आपको बताने वाले हैं कहानी के माध्यम से। ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, काफ़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि नाम याद करना, कौन किसने क्या लिखा है, थोड़ा मुश्किल काम होता है और एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, एंग्जाइटी होता है, चिंता होता है, जिसके कारण स्टूडेंट भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं जो आपको बता रहा हूँ वो कभी आप भूल ले पाएंगे, क्योंकि कहानी याद रहेगा, आपको सारा आंसर खुद ही रिकॉल हो जाएगा। तो बिना डिले किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ, और पहला हमारा है जो पोएम है उसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जी हाँ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये लिरिक है ना। इसके लेखक का नाम है जॉन डॉन और वो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक जो है वो जॉन डॉन है। अब कैसे जॉन डॉन है, देखिए मैं बताता हूँ, है ना। आप सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए, स्वीटेस्ट मैंने क्या होता, सबसे मीठा, लव मैंने प्यार, आई डू नॉट गो मैंने प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना। तो एक्चुअली जैसा कि कविता का पहला लाइन दिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका मतलब क्या होता है कि स्वीटेस्ट लव हम उन्हीं लोग को बोलते हैं, स्वीटेस्ट मैंने सबसे मीठा, जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल पता चल रहा है कि स्वीट बोला जा रहा है एक प्रेमिका को, प्रेमी के द्वारा, और वो प्रेमी कोई नहीं बल्कि कौन है, जॉन डॉन है। तो जॉन डॉन यहाँ पे एक प्रेमी है और उनकी पत्नी का नाम है एना मोरे, जिनसे उन्होंने शादी किया, एना मोरे, ठीक है। तो एना मोरे जो है वो उनकी पत्नी है, उनकी पहले प्रेमिका थी, फिर शादी हो गई उनकी दोनों के। तो जॉन डॉन जो है वो जा रहे थे अपने ड्यूटी पे, जब वो ड्यूटी पे जा रहे थे तो उनकी जो वाइफ है स्वीटेस्ट लव, तो वो रोने लगती है और जाने नहीं देती है। तो वो समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि देखो अगर मैं नहीं जाऊंगा ड्यूटी तो कैसे कैसे मेरा काम होगा, मतलब कि अल्टीमेटली आदमी को तो जाना ही जाना है, तो हमको तो जाना है, है ना, तो ड्यूटी तो जाना ही जाना है, ड्यूटी आप कैसे छोड़ सकते हैं। चलिए, तो वो जब जा रहे थे तो रोने लगी, तो वही बोलते स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं जा नहीं रहा हूँ बल्कि मैं आ रहा हूँ। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब आप किसी को प्यार करते हैं तो उसको स्वीटेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वीटेस्ट, क्या बोलते हैं, स्वीटेस्ट, कब, जब आप किसी को प्यार करते हैं स्टूडेंट, तो फिर क्या होता है कि जब आप किसी को प्यार करते हैं तो वो आपके लिए जान बन जाता है, क्या बन जाता है, जान, आप उसके बगैर बिना देखे नहीं रह सकते हैं, ये आपको पता होगा। तो यही चीज़ होता है हमारे जॉन डॉन के साथ भी, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और बोलते हैं कि तुम तो जान हो, और वो भी उनको बहुत प्यार करती है। तो जब कभी भी आप देखें स्वीटेस्ट लव, प्यारी महबूबा, तो समझ जानिएगा कि वे एक दूसरे के जान है, एक दूसरे के जान है दोनों, है ना, जान है एक दूसरे के, मतलब उसके बगैर वो नहीं रह पाएगी और उनके बगैर वो नहीं रह पाएगा, एक दूसरे के जान है। तो जब कभी भी आदमी आपको बोलता है स्वीटेस्ट, है ना, स्वीटेस्ट डार्लिंग, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने का मतलब क्या है, वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और जब एक दूसरे को प्यार करते हैं तो एक दूसरे के लिए जान बन जाते हैं, कहने का मतलब उसके बगैर वो नहीं रह पाएगा, उसके बगैर वो नहीं रह, है ना, एक को मारोगे दूसरा खुद ही मर जाएगा, एक दूसरे के जान है, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए स्वीटेस्ट लव का मतलब क्या हुआ, है ना, कब बोलेंगे, जब एक दूसरे का जान रहेंगे। स्वीटेस्ट लव कब बोला जाता है, जब वो एक दूसरे के, स्वीटेस्ट लव प्यारी महबूबा कब बोलते हैं, जब आप एक दूसरे के जान होते, एक दूसरे में दोनों का जान बसता है ना, याद हो जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक है जॉन डॉन, यानी जान दोनों, लव का मतलब ही होता जान, जहां प्यार आ गया वहां एक दूसरे का जान एक दूसरे में बसने लगता है। नहीं नहीं, गाना सुनते ना, चोट तुम्हें लगता है तो दर्द मुझे होता है ना, हालांकि यहाँ पे भाई भाई में नहीं होता है, यहाँ हो जाता है। तो इस प्रकार सब समझ सकते हैं कि जब आप किसी को प्यार करते हैं, उसको थोड़ा सा भी, छोटा सा भी चोट लगेगा तो आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा, है ना, क्योंकि उसकी जान आप में है। तो इसीलिए स्वीटेस्ट लव, लव माने प्यार, जैसे प्यार की बात आती है तो एक दूसरे के जान हो जाते हैं, बिना जान हुए तो प्यार हो ही नहीं सकता। क्लियर, एकदम क्लियर हो चुका होगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यानी जान दोनों, वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। क्लियर, आई होप ये क्लियर होगा। अगला हम चलते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मैंने क्या होता है, सॉन्ग ऑफ का मतलब होता है मेरा खुद का गाना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब होता है मेरा खुद का गाना, है ना, मेरा खुद का गाना। अब देखो खुद का गाना क्या होता है, बहुत प्यारा सा, है ना, इनके लेखक वाल्ट व्हिटमैन और ये अमेरिका के रहने वाले थे, है ना, ये लिरिक है। देखिए कह रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कैसे हो, एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था, कहानी सुनो बच्चा,
एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था, एक आदमी मार्केट गया था और मार्केट से अपने गांव लौटा कुछ सामान लेकर के, ठीक है, और महीना था जो अभी चल रहा है ना, हमारा क्या बोलते मार्च का महीना था और होली का समय था, और होली के दिनों में क्या होता है ना, चंद्रमा रात में उगती है आपको आसपास के दिन में। तो बंदा क्या था, पहले इतना ज़्यादा हम लोग के पास गाँव में जो है वो शौचालय वगैरह की सुविधा नहीं थी, तो लिया एक लोटा और चला गया, है ना, बेचारा दूर कहीं जाकर शौचालय चला गया। तो वो जहाँ पे गया तो वहीं पे एक बांस का पेड़ था, ठीक है ना, बैठ गया, है ना, और जैसे ही वो बैठ गया तो उसको व्हाइट जैसा कुछ दिखाई दिया, एकदम उजला, जिसका पैर नहीं था, उजला ऊपर से एकदम पूरा चमकता हुआ। वो डर गया, डर गया, बहुत बुरी तरह से डर गया। वो बेचारा वहां से भागा, बहुत तेजी से भागा। और जानते हो जब आदमी डर जाता है, उसने क्या देखा था, कौन से आदमी को देखा था, याद रखना, उसने जिस आदमी को देखा था कैसा था, व्हाइट मैन। जी हाँ, जिस आदमी को बांस के पेड़ में बस बेड़ी जिसको बोलते उसने देखा था, उसने क्या था, व्हाइट मैन, ब्लैक मैन नहीं, व्हाइट मैन। और जैसे उसने देखा वो पूरी तरह से डर गया, व्हाइट मैन देखने के बाद जान गया। जब जब डर जाता है ना लोग, तो उसके मुंह से गाना निकला, पता है आपको, गाना तभी निकलेगा ऐसे नहीं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्थी लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। तो ये बात उनके जवान से निकल गई, पता है क्यों, जब कभी भी आप देखते हो व्हाइट मैन, कोई नहीं रोक सकता। आपको पता है कि जो जो हनुमान जी के नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो आपको ये पता होगा। तो सभी लोग भूतों से डर करके किस चीज का नाम लेते हैं, अपने आप वो गाना निकल जाता है डर के मारे, लेकिन कब, जब हम देखते हैं व्हाइट मैन, जैसे देखते हैं व्हाइट मैन, कौन सा गाना निकलता अपने मुंह से भाई, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जैसे देखते हो व्हाइट मैन, कौन सा मैन, व्हाइट मैन, कौन सा गाना निकलता है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्थी लोक उजागर, ये गाना बहुत अपने आप निकल जाता है, आपको कहने की जरूरत नहीं, आप जैसे डरेंगे, आपने कभी देखा हुआ डर के बाद तुरंत में बोले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आपको पता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे जब हनुमान जी का नाम सुनावे। चलिए आगे है हमारा टीचर पोएट है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, बहुत है ना, बहुत अच्छा कविता है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। देखिए नाउ में नेब होता है, लीव्स में पत्तियां होता है, आर फॉलिंग फास्ट का मतलब होता है तेजी से गिर रहे हैं, फॉलिंग फास्ट का मतलब तेजी से गिर रहे हैं, पत्तियां आप तेजी से गिर रहे हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं, पत्तियां कहाँ होता है, पत्तियां कहाँ से गिरती है, तो हम बोलेंगे ट्री से सर, ट्री, और ट्री कहाँ होता है, गार्डन में, और गार्डन का क्या नाम है, डब्ल्यू एच ऑर्डन, गार्डन का क्या नाम है, डब्ल्यू एच, बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में देखेगा। अब पत्तियां तेजी से गिर रही है, पत्तियां का संबंध किस से, कहाँ से आती है, पेड़ से, अब पेड़ का, पेड़ कहाँ होता है, गार्डन में, और गार्डन का क्या नाम है, डब्ल्यू एच ऑर्डन, बिल्कुल याद हो जाएगा। फिर से देखते हैं, पत्तियां गिर रही है कहां से, पेड़ से, पेड़ कहां पाया जाता है सबसे ज्यादा, गार्डन में, और उस गार्डन का क्या नाम है, डब्ल्यू एच ऑर्डन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, इस प्रकार से आप इसे बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं, है ना। जब आप किसी से प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, तब एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, स्वीटेस्ट लव का क्या बन जाते हैं, जॉन डोलो, और अपने आप गाना निकल जाता कब, जब आप देखते हैं व्हाइट मैन। चलिए, और पतियों का संबंध पेड़ से, पेड़ का संबंध गार्डन से, और गार्डन का क्या नाम है, डब्ल्यू एच ऑर्डन, है ना, वो भी इंग्लिश अमेरिकन पोएट थे, यानी आधी जिंदगी अपने इंग्लैंड में बिताए थे और आधी जिंदगी वो अमेरिका में बिताए थे। चलिए आगे देखते हैं, नेचर पोएम एक और है हमारा, ओड टू ऑटम, ऑटम का मतलब होता है बसंत, ऑटम का मतलब होता है बसंत, है ना। अब बसंत कब आता है, जब हमारा समर सीजन का स्टार्ट होने से पहले आ जाता और जाड़ा खत्म होने के तुरंत बाद आता है ना। तो जब जाड़े का मौसम खत्म होता है उसमें काफ़ी बदरी रहती है और धूप बहुत कम उगता है, बहुत कुहासा रहता है, दिन दिन भर कुहासा रहता है, तो उस समय क्या होता है मेरे दोस्त, है ना, जब बसंत ऋतु आता है उस समय सबसे ज़्यादा लाही होता है, लाही समझते हैं ना, जो पेड़ों पर बहुत छोटे छोटे कीट रहते हैं ना, कीट, तो बसंत में सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं, कीट, है ना। आप साइकिल चलाते रहेंगे आपकी आंखों में पड़ जाएगा, बाइक चलाते रहेंगे आपकी आंखों में पड़ जाएगा, तो वो कीट होते हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा कौन मौसम में पाए जाते हैं, ये मौसम जो होता है हमारा बसंत ऋतु होता है उसी में पाए जाते हैं, ऑटम, है ना। ओड टू ऑटम के लेखक कौन हो, जॉन कीट्स। सबसे ज़्यादा कीट कौन से ऋतु में पाए जाते हैं,
ऑटम में सबसे ज्यादा कीट कब पाए जाते हैं, ऑटम में, है ना। सीम के सीम पे जो सीम फरता है, सेम जो हमारा होता है जिसको भोजन क्या बोलते हैं वेजिटेबल खाते हैं सीम, उसके ऊपर लाही बैठता है, लाही मतलब छोटे छोटे कीड़े होते हैं कीट्स, और वो सबसे ज्यादा इसी महीने में बैठते हैं जब बसंत की ऋतु में आता है। इसलिए बसंत की ऋतु का लेखक कौन है, जॉन कीट्स, याद रहेगा आपको। बसंत में सबसे ज्यादा क्या होता है, कीट्स, बसंत में सबसे ज्यादा क्या होता है, कीट्स, आपने देखा होगा। चलिए आई होप कि क्लियर होगा। और ये अगला पोएम है एलिजी, और इसके लेखक का नाम है, ये जो हमारा पोएम एपिटाफ, और लेखक का नाम वाल्टर ढेला मारे, ये भी इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इसकी भी कहानी बहुत ही रोचक है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा मेरे फ्रेंड, गौर से सुनिए। एपिथाप, एपिथाप का मतलब था शिला लेख, शिला लेख, है ना। जब कभी भी क्रिश्चियन में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जब उनको दफनाया जाता है तो उनके सर के सामने एक पत्थर का रखा जाता है जिसमें लिखा होता है उनकी मृत्यु, नाम क्या है, मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ, जन्म कब हुआ, मृत्यु, ये पूरा चीज लिखा जाता है। उसी स्ट्रक्चर को, वही पत्थर वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, शिलालेख, और इंग्लिश में बोलते हैं एपिटाफ, है ना। तो एपिटाफ बिल्कुल वही कविता है, और इसके लेखक का नाम वाल्टर ढेला मारे। तो हम कहानी शुरू करते हैं और समझते हैं इनके कहानी का लेखक का नाम क्यों वाल्टर ढेला मारे पड़ा, ठीक है। एक बार की बात है, नालंदा खंडहर में, है ना, कुछ लोग विदेश से लोग आए, है ना, एक बस में एसी कोच लगा हुआ था, सभी लोग उतरे और घूमने लगे। वहां पर एक लेडीज भी थी, है ना, क्या लेडीज थी, तो वो लेडीज पर्स रखे हुई थी, मोबाइल वगैरह रखे थे, फोटो खींच रही थी, और खंडहर बहुत बड़ा है, आप जाएंगे तो देखेंगे। तो वो क्या हुआ कि सभी लोग ग्रुप में थे, वो कहीं देखने लगी, पिक्चर वगैरह क्लिक करने लगी, वो हो गई डिसकनेक्टेड हो गई, सारे लोग आगे चल गए, मिलने रहा इधर उधर, और खो गई, है ना। तो खो गई, तो खोते खोते क्या हुआ कि वो उधर चले गए खेतों में, और उधर है ना बड़गांव का गांव, कौन सा गांव, बड़गांव, तो उस गांव में चली गई, तो कुछ बच्चे जो थे वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे, है ना। तो वो जब चली गई तो बच्चे ने देखा था, तो ये कौन है, लोने देखी, तो उसको बहुत तेज से प्यास लग गया था उस लेडीज को, है ना, और वो बोलने लगी, वाचर वाचर वाचर। और जानते कि गांव के लड़के कैसे होते, एक लड़का दूसरा कह रहे उनको गाली दे रहा, हाँ गाली दे रहा, उसने आधा उठाया उसको दे मारा, किसको, उस लेडीज को। इतने में सारे लड़के मारने लगे, अंत में उसकी मृत्यु हो गई, सारे भाग गए। अंत में जब उसको दफनाया जा रहा था, ठीक है, चूंकि क्रिश्चियन थी, दफनाया जा रहा था, उसका शिला लेख पे यानी एपिटाफ पे क्या लिखा जाए, तो बोलता कि सर क्या बताएं, ये वाटर वाटर चिल्ला रही थी, बच्चे ने मार दिया ढेला, है ना। तो इसके एपिटाफ पे क्या लिखा जाए, क्योंकि उसका नाम पता तो नहीं था, सब लोग चले गए थे, और उसको दाह संस्कार करना था, तो क्रिश्चियन में उसी अनुसार होता है, तो एपिटाफ पे क्या लिखा जाना चाहिए। तो उसने बोला कि देखिए सर, इसका तो नाम नहीं पता, लेकिन ये वाटर वाटर चिल्ला रही थी, जो लेडीज मरी वो वाटर वाटर चिल्ला रही थी, बच्चों ने क्या मार दिया, ढेला मारे। तो उसके एपिटाफ पे क्या लिखा गया, बताओ, वाल्टर ढेला मारे, क्योंकि नाम तो किसी को पता नहीं था, तो उनके एपिटाफ पे क्या लिखा गया, वाल्टर ढेला मारे, ठीक है। ढेला मारे कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। आई होप कि क्लियर होगा, वाल्टर ढेला मारे काफी अच्छी स्टोरी थी, है ना। आगे देखते हैं, सोल्जर, ये सोनेट है, 14 लाइन की कविता होती है ना, 14 लाइन की कविता को बोलते हैं सोनेट। चलिए, और इसके कविता का नाम है सोल्जर, है ना, सिपाही, और इनके लेखक का नाम रूपर्ट ब्रोक, ये भी इंग्लैंड के रहने वाले। देखिए रूपर्ट ब्रोक, हम कहानी शुरू करते हैं, देखिए सिपाही का काम क्या होता है, एकदम रपट करके पकड़ना चोर को, और मार के उसको पकड़ के बुक देना। तो सोल्जर कौन कहलाएगा, जो रपट के दौड़ेगा और चोर को पकड़ के मार के बुक देगा, रपट के दौड़ेगा मार के बुक देगा। यही काम किसका होता है, सोल्जर का। बिल्कुल आसान से याद हो जाएगा, सोल्जर का क्या काम है, सोल्जर का काम है रपट करके दौड़ना और मार के एकदम बुक देना, है ना। सोल्जर का क्या काम है, रपट करके दौड़ना, मार करके बुक देना, यही काम किसका है, सोल्जर का। आई होप कि क्लियर होगा, इंग्लैंड के रहने वाले थे, है ना। सबसे ज्यादा चोर इंग्लैंड में होता था, तब तो इंडिया वाला कहकर चुरा लिया, इसलिए इंग्लैंड के रहने वाले, ठीक है। आगे देखते हैं, ये एक लाइट है, लाइट पोएम बोलते हैं इसको, जिसमें हंसी खुशी की बात होती है, थोड़ा सा मनोरंजन होता है। और ये मैगी द मिस्ट्री कैट है, मिस्ट्री कैट एक बिल्ली की कहानी है। ये जो बिल्ली होता है वो क्राइम करती है किसी के घर में, जानते हो, पता चलता है कि कुत्ते जो होते हैं ना, कुत्ते बिल्ली को तंग करते हैं, और कुत्ते के सामने तो बिल्ली टिकती नहीं, लेकिन ये उल्टा होता था, ये ऐसी बिल्ली थी ना, कुत्ते के टेटुआ दबा देती थी ये वाला, और बहुत सारे कुत्ते को मार देती थी, जहां भी
अच्छे अच्छे खासे खासे कुत्ते को है ना टपका के रखती थी। देखिए अभी मिस्ट्रीज थी, मिस्ट्रीज का मतलब होता है रहस्यमयी, क्या थी? रहस्यमयी थी। तो रहस्यमयी बिल्ली थी, मैक्विटी नाम था उसका। अब ये रहस्यमयी थी, जहां कहीं भी क्राइम होता था तो इसके इसके मालिक का नाम था टीएस इलियट। तो ये और मालिक, पुलिस उसको खोजने जाती थी कि ये कहां पे है, कहां पे है, तो उसका कोई भी निशान नहीं पाया जाता। आज तक के दुनिया की हिस्ट्री में एक ऐसी बिल्ली थी जो क्राइम तो करती थी और क्या क्या सोना चांदी सब चीज लूट लेती थी, दूध वगैरह पी जाती थी, है ना, डॉक्यूमेंट इधर उधर कर देती थी, सरकारी दफ्तर में घुस जाती थी, वस दफ्तर में जहां पर इंडिया चाइना रिलेशन आदि के पेपर रखे हुए थे, साइन किया हुआ सबका, ट्रेड वगैरह, उस पेपर को इधर उधर कर देती थी। और जब पुलिस पहुंचता था, पूरे सातों मुल्कों की पुलिस उसमें पड़ी हुई थी उस बिल्ली में, लेकिन जहां क्राइम होता था माइक्रिटी वॉज नॉट देयर, वहां पर बिल्ली वो रहती नहीं थी, वो भाग जाती थी और कह सकते हैं कि लोप हो जाती थी। तो हम टीएस के लिए देखो, जब कभी भी मिस्ट्री मैक्विटी कैट को पकड़ने जाता था तो टीएस इलियट और कैट दोनों क्या होता था, इलोप। इलोप मतलब होता भाग जाना, इलोप, ई एलोपी, बहुत अच्छा मीनिंग है ई एलोपी, इलोप मतलब क्या होता है, ये होता भाग जाना है ना, देखा इलोप हो गया, इतना हलाय इलोप हो गया मतलब गायब हो गया, तो इसको इलोप मतलब होता गायब होना, बहुत अच्छे से याद रखे, इलोप हो जाता था है ना। तो कब इलोप हो जाता था, मिस्ट्री द मैक्विटी को जब पुलिस पकड़ने जाता था तब टीएस इलियट है ना, उसका था वो क्या हो जाता था, इलोप, और कैट भी इलोप हो जाता था, मतलब कि सीसीटीवी कैमरा दिखा रहा है कि यहाँ पर उसने क्राइम किया, पिक्चर आ रहा है, तो फिर गया कहाँ, और पुलिस तुरंत वहीं पर पहुंच रही है, मतलब इतना मिस्ट्रियस कैट था, मिस्ट्रियस कैट मतलब कि उसमें कुछ रहस्यमयी था है ना। तो जब कभी मिस्ट्रियस कैट को पकड़ने के लिए पुलिस आई थी तो टीएस इलियट क्या हो जाता था, इलोप, इलोप मैंने क्या होता, भाग जाना, ई एलोपी, इलोप मैंने भाग जाना। ऐसे लड़का लड़की शादी करने के लिए भी इलोप हो जाते हैं, क्या होता है, इलोप, इलोप, इलोप वर्ड मीनिंग का मतलब होता है ना, एक जवान लड़का लड़की को भगा के ले जाना साथ में शादी के उद्देश्य, उसको तो इलोप हो जाना, बॉयज एंड गर्ल इलोप फ्रॉम द विलेज, बॉयज एंड गर्ल इलोप फ्रॉम द विलेज, ई एलोपी, इलोप मैंने भाग जाना। तो टीएस इलियट क्या हो जाते थे, इलोप हो जाते थे, कब, जब मैक्विटी को पकड़ने के लिए आता था कौन, पुलिस, तो टीएस इलियट क्या हो जाते थे, इलोप, और यहाँ की बिल्ली भी इलोप हो जाती थी, तो टीएस इलियट क्या हो जाते थे, इलोप, कब, जब मैक्विटी को पकड़ने आता था पुलिस, तो टीएस इलियट क्या हो जाते थे, इलोप हो जाते थे, क्या हो जाते थे, इलोप, ई एल ओ पी, इलोप मैंने भाग जाना, तो कौन इलोप, टीएस इलियट इलोप, कब, जब मिस्ट्रीएस को पकड़ने आता था पुलिस, है ना, याद होगा आपको कि मिस्ट्री मैक्विटी द मिस्ट्री कैट को पकड़ने आता था कौन, पुलिस, तब टीएस इलियट उसका जो मालिक था और बिल्ली दोनों मिलकर क्या हो जाते थे, मालिक और बिल्ली इलोप हो जाते, टीएस इलियट क्या हो जाता है, इलोप, टीएस इलियट क्या हो जाता था, इलोप, कब, जब मैक्विटी द मिस्ट्री कैट को पकड़ने आता था पुलिस, आई होप याद होगा। चलिए अब अगला है फायर हिमन, है ना, ये रिलीजियस पोएम है, धार्मिक पोएम है, याद रखिएगा आप, है ना, फायर मैंने आग होता है, हिमन मैंने, है ना, हिमन मैंने होता है भजन, आग का भजन, है ना, आग का भजन, इसके लेखक है केन, केन दारू वाला, है ना, केन दारू वाला, देखिए बहुत आराम से याद हो जाएगा, कहानी सुनिए, है ना, देखिए जब कभी भी आग लगता है तो उसमें आप घी डाल देंगे तो क्या होगा, बहुत तेजी से ऊपर से भड़कने लगेगा, और आग जब भड़कता है तो फायर होता है, और फायर क्या सुनाने लगता है, हेमन, उसी प्रकार से केन दारू वाला जब कभी भी दारू पीता था, है ना, तो आग में डाल के पीता था, और आग में डालते थे क्या होता था, आग बहुत तेज से भड़कता था और हाय हाय करता था, तो आग मैंने आग और हाय हाय करने का मैंने भजन सुनाना, यानी फायर हेमन सुनाता था कब, जब उसने दारू वाला डाल था, केन क्या डाल देता था, दारू, क्या डाल देता था, दारू, अब दारू स्पिरिट होता, स्पिरिट को हम तो डाल देंगे आग में तो क्या होगा, धधकेगा ही धधकेगा, तो आग जो शांत है वो धधकने लगता है, धधकने का मतलब गाना गाने लगता है, तो आग गाना गाता है यानी भजन करने लगता था, फायर हेमन कब करेगा, जब उसमें हम डाल देंगे क्या, दारू, क्या डाल देंगे, दारू, याद रहेगा ना, दारू, दारू से दारू वाला हो गया, केन दारू वाला, जब कभी भी हम आग में डालेंगे दारू तो आग क्या करेगा, फायर हेमन सुनाएगा, कब सुनाएगा, फायर हेमन सुनाता है कब, जब उसमें डालते हैं दारू, तब, फायर हेमन सुनाता है कब, जब उसमें दारू डालते हैं तब, तो दारू वाला हो जाएगा, आई होप क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए
हमारा एक और बच गया है। इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करते रहिए कि आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए, जिससे कि आपको याद न करना पड़े और बहुत आसानी से याद हो जाए। अगला हमारा है ना, एनिमल पे बना हुआ है ये कविता, किसी पे बना हुआ, एनिमल पे बना हुआ, और उस कविता का नाम है स्नेक। स्नेक माने क्या होता है बाबू? सांप, आपको तो पता ही है, सांप देखे होंगे। इसके लेखक का नाम है D.H. लॉरेंस, है ना। बहुत अच्छा कहानी है, सुनिए इसको। गांव में जब कभी भी सांप देखा जाता है, सांप देखा जाता है तो दो प्रकार के लोग उसको देखते हैं, एक तो उसको मार देने वाला और एक कहते हैं भगवान शंकर का रूप है, इसको जाने दीजिए। क्या बोलते हैं? इसको जाने दीजिए, भगवान शंकर का रूप है, इसको क्या करने दीजिए? जाने दीजिए। तो जब जाने देने की बात आती है तो जानते लोग क्या कहते हैं? धा 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 धा। और धा 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 के इंग्लिश अगर आप मोबाइल में टाइप करेंगे क्या चीज पे, व्हाट्सएप पे, तो क्या लिखेंगे? D.H. लिखेंगे। देखिए धाधा का इंग्लिश क्या लिखेगा? धाधा धाधा का इंग्लिश क्या लिखेगा, है ना। मान ले जाए कि आपके पापा रहते दिल्ली में, आप उनको मैसेज करना कि पापा सांप आया तो मैंने धाधा कर करके उसको भगा दिया, तो धाधा लिखे ना, D.H. लिखे हैं जी। तो सांप देखते ही लोग क्या करते हैं? धाधा धाधा करने लगते हैं, और बेचारा वो सांप क्या करता है? लो होकर के ले रे।